नमस्कार दोस्तों, रोजाना राशि फल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि दोस्तों आपकी राशि से जुड़ी सभी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उन्हें देखकर अपने जीवन के उत्तम सुखों का लाभ ले सकें। तो आइए दोस्तों, सभी के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 अप्रैल 2022 की आपके राशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी अष्टमी बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरीके करें। तो आए दोस्तों, सके साथ बात करते हैं यश में। ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन्हें सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीजों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेंगी। साथ ही दोस्तों, वीडियो के मध्य में आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे विचार दिए गए हैं, जिन्हें आप जरूर देखिएगा, आपको काफी अच्छा लगेगा। तो आए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, दिन बुधवार का दिन रहेगा, शुक्र पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी और दोस्तों इस दिन मघा नाम का नक्षत्र रहेगा। दोस्तों, दिन योग की बात करें तो दोस्तों इस दिन गट नाम का शुभ योग सुबह के 11:14 रहेगा, उसके उपरांत वृद्धि नामक शुभ योग प्रारंभ हो जाएंगे। वही दोस्तों, इसके उपरांत इस दिन राहु कल समय की बात करें अर्थात अशुभ समय की, दोस्तों ध्यान रहे आप यह समय कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्य को भूल से भी ना करें। तो दोस्तों, यह समय रहेगा दोपहर के 12:27 से लेकर दोपहर के 2:01 तक। और दोस्तों, चंद्रमा दिन सिंह राशि पर संचार करेंगे। दूसरों को उतना ही जल्दी क्षमा करें जितना जल्द आप भगवान से क्षमा चाहते हैं। किसी के दिल को ठेस पहुंचाकर माफी मांगना बहुत ही आसान है, लेकिन चोट खाकर किसी को माफ करना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, आत्मीयता को जीवित रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि गलतियों को हम उदारता से क्षमा करना सीखें। दोस्तों, प्यार के बिना माफी नहीं है और माफी के बिना प्यार नहीं है। क्षमा वीरों का गुण होता है। दोस्तों, यदि कोई दुर्बल मानव तुम्हारा अपमान करे तो उसे क्षमा कर दो, क्योंकि क्षमा करना ही वीरों का काम है। परंतु यदि अपमान करने वाला बलवान हो तो उसको अवश्य दंड दो। क्षमा का मतलब है कि जो बीत गया उसे जाने दो। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं आज की राशिफल की। दैनिक राशिफल। दोस्तों, यह समय नई योजनाएं बनाने तथा नए उपक्रम करने के लिए जो समय होंगे अनुकूल समय होगा। इसके साथ ही दोस्तों, यह समय आपको अपने मेहनत के या फिर प्रयास के सार्थक परिणाम भी हाजिर होने वाले हैं। राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में भी यह समय आपकी विशेष पहचान बनेगी, किसी मूल्यवान उपहार की प्राप्ति की भी संभावना बन रही है। तो दोस्तों, यह समय का सदुपयोग करें और सभी समयों का जो है उचित लाभ उठाएं। इसके साथ ही दोस्तों, यशमी अगर आपकी सावधानी को लेकर बता दें तो दोस्तों, यशमी दूसरों की बातों में ना आए। दोस्तों, आपका कोई नजदीकी मित्र ही आपकी परेशानी का कारण बन सकता है, तो दोस्तों इस मित्रों का आपको इसमें छानबीन करना चाहिए। भाइयों के साथ यशमी संबंध मधुर बनाकर रखें, धर्म के नाम पर आपसे कोई पैसा भी तड़प सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों, यशमी आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें अभी तक की हुई मेहनत का फल आपको प्राप्त होगा। जो बातें आपके लिए सही है उन्हीं बातों पर टिके रहना आपके लिए इसमें संभव होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि यश में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो आपका प्रयत्न है आपके द्वारा जारी रहेंगे, फिर भी दूसरों द्वारा सहयोग प्राप्त न होने की वजह से आपको थोड़ा सा दुख हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यश में आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, खुद पर संयम होकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों, यश में चल रही किसी पारिवारिक चिंता का समाधान भी इसमें मिलेगा तथा आप तनाव मुक्त होकर अपने अन्य कार्यों के प्रति भी ध्यान लगा पाएंगे। दोस्तों, घर में मेहमानों की आवाज आ रहेगी, युवा वर्गों को विभागीय परीक्षा और फिर नौकरी आदि से संबंधित कार्यों में भी सफलता मिलने की संभावना बन रही है। इसके साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि लोगों के साथ संपर्क स्थापित करते समय मर्यादा का भी आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, जरा सी लापरवाही आपसे आपकी मान सम्मान में कमी ला सकती है, तो इन पर ध्यान दें। समान विचारधारा तथा सकारात्मक लोगों के संपर्क में रहें, इससे आपकी मन स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आते रहेंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए समय होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि अपने सीमित विचारों के दायरे को बढ़ाना आपके लिए इसमें संभव हो सकता है। मित्रों द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त होने की वजह से जीवन में किस समस्या पर पहले काम करना है यह बात भी आपको पता चलेगी। भले ही अभी परिवार से नाराजगी बन रही हो, लेकिन दोस्तों मित्र परिवार द्वारा आपको पूरा सहयोग भी इसमें प्राप्त होगा।
और इसके उपरांत दोस्तों यीशु में आपके लिए इसमें होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों यीशु में ग्रह गोचर आपके लिए अनुकूल चल रहा है। घर में धार्मिक आयोजन की संबंधी कोई कार्य भी संपन्न हो सकते हैं, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त होगी। दोस्तों यीशु में मेहनत और लगन के कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें, बेहतरीन सफलता आपका इंतजार कर रही है और यह सफलता आपको इसमें मिलने वाली है। आपको बता दें कि विद्यार्थी का भी अपने अध्ययन के प्रति आकर्षित होना उन्हें सफल करेगा। इसके साथ ही दोस्तों यीशु में अगर प्रॉपर्टी संबंधी कोई प्लान कर रहे हैं तो दोस्तों यीशु में उस पर कार्रवाई ना करें, क्योंकि दोस्तों ये जो समय है आपके लिए उतना अनुकूल नहीं होगा। किसी भी कार्य को करने से पहले यीशु में पूरी तरह योजना का जो है रूपरेखा बना लें, ये आपके लिए जरूरी होगा। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, ये आपके लिए आवश्यक होंगे। आपकी सेवा का भावना जो है उन्हें प्रसन्न रखेगी, तो इन पर जरूर ध्यान दें। इसके साथ दोस्तों यीशु में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने की आपको आवश्यकता होगी। यीशु में ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कुछ गलतियां भी आपके द्वारा हो सकती है, इसलिए निर्णय लेते समय हर निर्णय को दोबारा परख कर आगे बढ़े, ये आपके लिए बेहतर होंगे। साथ ही दोस्तों आपको बता दें यीशु में आलस से दूर रहे, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यीशु में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि प्रॉपर्टी की खरीद प्रोक संबंधी कार्यों के लिए जो दिन होंगे उत्तम दिन भी होगा। घर तथा व्यवसाय में इसमें संतुलन बना रहेगा। परिवार तथा बच्चों के साथ अमोद प्रमोद व फिर मनोरंजन में खुशनुमा समय भी आपका व्यतीत होगा। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि बच्चे की किसी नकारात्मक गतिविधि का पता चल सकता है, जिसकी वजह से कुछ चिंता भी होना स्वाभाविक है, परंतु परिस्थितियों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें। यह समय मित्रों के साथ मेलजोल में आपका समय भी व्यर्थ होगा, इसलिए दोस्तों यह समय इनसे दूरी बनाकर रखें। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए सुनेंगे। आपको बता दें कि दोस्तों यह समय खर्चे बढ़ने की वजह से आपको थोड़ी सी चिंता हो सकती है, लेकिन पैसे से संबंधित सभी काम आपके वक्त से पहले पूरे भी होंगे। निर्णय लेते समय सतर्कता बरतने की आपको इसमें आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यीशु में अगर आपकी व्यवसाय यानी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यीशु में व्यवसायिक गतिविधियों में कुछ फालतू खर्चे भी बढ़ सकते हैं, परंतु उधार संबंधी कार्यों में इनसे दूरी बनाकर रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों अगर आप यीशु में उधार लेने की कोशिश भी करेंगे तो अपनी क्षमता के अनुसार ही लें, क्योंकि दोस्तों यीशु में आपके भविष्य के लिए बेहतर होंगे। किसी नए कार्य की शुरू करने की जो योजना है वो इन्हें स्थगित रखें, क्योंकि दोस्तों ये जो समय है परिस्थितियां उतना अनुकूल नहीं है। नौकरी पेशा व्यक्तियों का ऑफिस से नकारात्मक माहौल में धैर्य और संयम बनाकर रखना आपके लिए उचित रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें यश में पार्टनरशिप से संबंधित व्यवसाय में कुछ समय से चल रहे तनाव भी दूर होंगे तथा आपसी संबंधों में भी यश में सुधार आएगा। दोस्तों धन संबंधी किसी भी तरह के लेन देन के लिए जो समय होंगे बहुत ही अच्छा समय होगा। यह समय काम बिना रुकावट के भी पूरे होते जाएंगे। और इसके साथ ही दोस्तों यह समय आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों यह समय व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा में बहुत अधिक मेहनत व फिर परिश्रम की आवश्यकता होगी। अगर कोर्ट के संबंधी कोई विवाद चल रहा है तो दोस्तों यह समय किसी की मदद से यह विवाद हल हो सकता है। कार्य संबंधी छोटी मोटी जो है बारीकियों पर आपको अधिक से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता भी होगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपना कोई टारगेट पूरा होने से बोनस मिलने की भी संभावना बन रही है। और इसके साथ दोस्तों यीशु में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों वर्तमान परिस्थितियों का जो प्रभाव आपके व्यवसाय पर पड़ा है दोस्तों उनमें कुछ सुधार आने की भी संभावना बन रही है। जरूरत के अनुसार आय के साधन भी बने रहेंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए ऑफिस का वातावरण शांतिपूर्ण व फिर सुकून भरा साबित होगा। और इसके साथ दोस्तों यीशु में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें अर्थात आपके जीवन साथी की, तो दोस्तों यीशु में जीवन साथी तथा घर परिवार का पूरा सहयोग आपके ऊपर रहेगा। किसी विपरीत लिंगी मित्र के मिलने से पुरानी खुशनुमा यादें भी यीशु में ताजी होने वाली है। और इसके साथ दोस्तों यीशु में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों पारिवारिक वातावरण भी खुशनुमा बना रहेगा। किसी बच्चे के आगमन संबंधी शुभ सूचना मिल सकती है, इससे दोस्तों घर में उत्साह भरा माहौल भी रह सकता है। इसके साथ दोस्तों यीशु में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों अपने लव पार्टनर के साथ घूमने फिरने का इसमें आप प्रोग्राम भी बना सकते हैं, इससे दोस्तों आपकी लव लाइफ के लिए बहुत ही अच्छे समय होंगे। और इसके साथ दोस्तों यीशु में आपकी लव लाइफ के लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों व्यस्तता के बावजूद भी पति पत्नी एक दूसरे के साथ काफी समय व्यतीत कर पाएंगे, इससे दोस्तों संबंधों में नई दिक्कतें तो आएंगी ही, रिश्तेदारों के साथ भी मेलजोल आपके लिए बहुत ही अच्छा इसमें साबित होगा और आपके रिश्ते भी इसमें मजबूत होंगे।
और इसके साथ दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें अर्थात आपकी हेल्थ की, तो दोस्तों यश में कभी कभी तनाव डिप्रेशन महसूस हो सकता है। मेडिटेशन करें और किसी आध्यात्मिक स्थल पर भी समय को व्यतीत करना आपके लिए इसमें उचित रहेगा। तो दोस्तों जरूर इन पर ध्यान दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों कुछ समय से चल रही किसी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से आपको राहत भी मिलेगी। दवाइयों की अपेक्षा प्राकृतिक इलाज पर आपको इसमें अधिक भरोसा करना चाहिए। इसके साथ दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों पेट दर्द व फिर पाचन तंत्र संबंधित कोई तकलीफ रहेगी। व्यायाम और अपनी दवाइयों का पूरा ध्यान रखें। दोस्तों ये आपके स्वास्थ्य के लिए इसमें बेहतर साबित होंगे। और दोस्तों यश में आपको बता दें अंत में आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, परंतु यश में ऊर्जा व फिर स्फूर्ति बनी रहेगी, परंतु लापरवाही बरतना आपके यश में बिल्कुल ही उचित नहीं होगा। तो यश में सभी चीजों को लेकर सावधान रहें। यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा गुलाबी और भाग्यशाली अंक रहेगा 1।